सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं उचाणा बालाजी कंप्यूटर सेंटर पर और भीतर चाल कर देखेंगे कि यार कौन कौन से कोर्स करवाए जा है और कैसा माहौल है, क्योंकि लड़के भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और लड़कियाँ भी पढ़ने के लिए आती है। तो यहाँ का माहौल देखें भी कि कैसा माहौल है, किस प्रकार से कोर्स करवाए जाते हैं, टीचर किस प्रकार से सिखाते हैं। तो सारी चीज़ आज यहाँ चाल का अपने पूछने वाले हैं कि भी कैसा माहौल है यहाँ पर, बच्चे तो कौन सा करवाया जा है। यहाँ बैठी राम राम जी। राम राम जी। के नाम है? अन्नू जी। तो रिसेप्शन आप संभालते हो? हाँ जी। अच्छा, मतलब आप रिसेप्शन संभालते हो, तो मतलब कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? 85 बच्चे पढ़ते। 85? हाँ जी। और माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, मतलब बच्चों पे किस प्रकार नजर रखी जाती है? बच्चों पर जी, जब आवा है उस टाइम भी और जब उस टाइम जावा है उस टाइम भी, जो उन पर एंट्री करवाया जावा है तो उनका किस टाइम किस कौन बच्चा किस टाइम मार यार किस टाइम जा रहा है सब देख रेख की पूरी नजर है। हाँ जी, पूरी तो नजर। मैडम जी है यहाँ पे? हाँ जी है। अच्छा, चलो, तो मतलब जो यहाँ की ओनर है उनसे बात कराएंगे भी कौन कौन से कोर्स है, किस प्रकार से सिखाया जाए। तो सारी चीज़ें आपने आज दिखाने वाले हैं बालाजी कंप्यूटर सेंटर की। राम राम मैडम जी। नाम क्या है? रितु जी। रितु। हाँ जी। तो कौन से, पहले तुम्हें बता दो कौन से कोर्स करवाए जा है? हमारे पास जी बेसिक का, डीसीए का और एडीसीए का। अच्छा, हाँ, कितने दिन के हुआ है ये? बेसिक हो जी 3 मंथ का, डीसीए हो 6 मंथ का और एडीसीए हो 1 ईयर का। देखो, हमने तो लगे मैं घने बालक देखे हमने। हाँ जी, बहुत बच्चे हैं जी। और के स्पेशल है भी आड़ा घने बालक आओ है सेंटर? जैसे तो जी टाइमिंग ज्यादा दी जाओ बच्चा था, जैसे टाइपिंग करने आ रहा कोई बच्चा तो उसको पूरा दिन दिया जावे है। अच्छा। और जो बच्चे कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं उनको सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, और सभी सेंटरों में 1 घंटा है। 1 घंटा दिया जाता है। और मतलब बात अगर सुविधा की करते हैं आड़े की? हाँ जी, पानी की, सीटिंग की और एसी वगैरह सब कुछ मैम। सब कुछ? हाँ। तो एक बार अंदर चल कर देख ले। ठीक है मैम, टीचर से तो एक बार टीचर से बात करेंगे और बाकी तो ही बात करेंगे भी किसी पढ़ाई हुआ है कि सब टीचर है जो सिखावे है। तो सारी चीज़ आपने दिखाने वाले हैं अंदर चल कर है। तो ये देखो, आओ मैडम जी, मैडम तो बात भी करते रहेंगे यार, पूछते भी रहेंगे। तो टीचर ये है? राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? प्रीति है जी। प्रीति है। हाँ जी। तो मतलब सुबह से शाम तक कितने बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए? जी बच्चे तो मतलब आते रहते हैं। अच्छा। कम से कम 85-90 बच्चे हैं। और अगर टाइमिंग की बात करें तो क्या टाइमिंग रहती है? टाइमिंग है जी 1 घंटे की होती है, 1 घंटे की थ्योरी और 1 घंटे की प्रैक्टिकल। 1 घंटे की प्रैक्टिकल। हाँ जी। तो मतलब ये सारे मतलब यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ने के लिए? हाँ जी बिल्कुल जी। तो देखो एसी मिला रही है, ठंड तो रही है क्योंकि देखो बड़का ना सबसे पहले आया, गर्मी में मरेंगे तो कंप्यूटर के ऊपर सीखेंगे। और इधर देखो लड़कियां भी पढ़ने लग रही है और लड़के भी लाग रहे हैं, और देन छोरिया गया तो पटापट चलने लग रहे हैं, टाइपिंग सीखने लग रही है। राम राम बेबे। कौन से गांव की है? कर सिंधु की। हाँ। कितने दिन से सीखने लग रही है? मैंने 1 साल हो जगह, 1 महीना रह रहा है बस। 1 महीना रह रहा है। न्यू बता कि माँ वो है कि बस न्यू हाथ मारा है? बहुत आओ है। बढ़िया सिखाओ जो मैडम हाड़े। यस, बहुत सिखाती है। अच्छी सिखाओ है। yes. कुछ ऐसी चीज रह जाए कि जो समझ में ना आती, जो समझ में नहीं आओ वो मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं बता दे रहा। बता दे है? हाँ। नाम की बताया? ज्योति। ज्योति। तो ज्योति ने तो बता दिया, इसको और पूछेंगे इस बेबे का क्या नाम है। राम राम बे। राम राम। क्या नाम है? रेणुका। उकड़े था आगरे में? अलीपुरा। अलीपुरा था। मैं दूर दूर था मैं सेंटर पर। हाँ, बहुत दूर दूर था। आप किस को हो? मैं बेसिक बेसिक। हाँ। बेसिक 3 महीने का होता होगा। हाँ। कितने दिन हो गए आपने? मन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, तो मतलब आ गया। हाँ। समझ में। हाँ। अगर हुआ कुछ बाकी ना? कुछ नहीं रहता सारा। अच्छा, प्लस टू करके? हाँ, प्लस टू करके। अच्छा, लागी रोगे। तो ये देखो लड़कियाँ पे पूछेंगे थोड़ा बहुत, कितने दिन तक सीखना लाग रहे हैं। राम राम जी। राम राम। ये नाम है? मनदीप। कड़े ताया करो सीखना? छत्तर। कितने दिन हो गए? प्लस टू के बाद या फिर बीए के बाद? प्लस टू के बाद। मैं ग्रेजुएशन के बाद हूँ, यू बी प्लस टू के बाद है। अच्छा, और जोड़ा साथ में आवे? हाँ, जोड़ा साथ। बहुत अच्छी बात, आप जल्दी से सीख जाओ। तो इनसे और पूछ लेते हैं, मतलब ज़्यादा बच्चे टाइपिंग सीखने के लिए आते हैं। हेलो। क्या मैम? क्या नाम आपका? मोहित मैम। मोहित, कहाँ से आते हो? मोहित भोंगरा से। भोंगरा से। कितने दिन हो गए? बिना हो गए। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? बेसिक। बेसिक।
एक महीना हो गया yes, दो महीने बाकी है yes, तो मतलब कितना आपको समझ में आता है यहाँ सही आता मैम समझ में जो यहाँ पर मैडम है मतलब सही yes, है yes, बता दियो डॉक्टर लगवा देंगे मैडम पे अगर कुछ बाकी हो तो देखो मैम आप बताओ पहले अपना नाम बताओ मैम मेरा नाम प्रीति है जी जी तो मैम आप कितने दिन से बच्चों को यहाँ पर सिखा रहे हो मेरे को तो जी अभी एक मंथ ही हुआ है अच्छा बाकी जो बच्चों से पूछा ना वे आपका सराहना कर रहे हैं उनको बढ़िया समझ में आवे और तो बच्चों पे डिपेंड है जी बच्चों पे डिपेंड है तो मैडम जी कौन कौन से कोर्स आवे हैं यहाँ पर जो मतलब सभी आते हैं मोस्टली मतलब डीसीए वगैरह टैली का बेसिक सारा टाइपिंग वगैरह सब आते हैं सब सिखाते हो हाँ जी बिल्कुल मतलब एक साल दो साल तक डिप्लोमा रहता है यहाँ पे क्या डिप्लोमा मिलता है ना उसके हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल डिप्लोमा मिलता है एक साल का हाँ जी दो साल का मिलता है एक साल का मिलता है छः महीने का मिलता है और तीन महीने का बेसिक का भी मिलता है तो देखो ये मतलब और मैडम मुझे आपने कितनी स्टडी की है ये और बता दो जी मेरी तो डबल डिप्लोमा है मेरा कंप्यूटर में आर्टोन से भी है आईटीआई से भी है और मेरी एमए कंप्लीट है मास्टर डिग्री कंप्लीट है और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस जी मेरा दो साल का है अच्छा हाँ जी दो साल का मेरा सेंटर में है और मेरा टीचिंग का भी है टीचिंग का भी हाँ जी और अब यहाँ पे हो हाँ जी बिल्कुल तो ये देखो मतलब यहाँ पर हर प्रकार के कोर्स करवाए जा हैं बाकी की चीज़ें मतलब जो मैडम है यहाँ की ओनर है उन तक पूछेंगे भी के फीस ली जा बड़का पे कितनी के फीस में मतलब कितना टाइम दे में है तो सारी चीज़ें एक बार उन तक पूछ ले हैं ये देख लो रेन भी छोरी लाग रही है ये बदलना रहे इनका बात कर लिया हेलो गुड़िया हेलो मैम क्या नाम है मनीषा मनीषा कहाँ से आते हो मनीषा करसिंधु से और कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते मैम एक साल हो गए तो आपने कौन सा कोर्स किया है ADCA का ADCA हाँ जी तो मतलब कंप्लीट होने वाला आपका हाँ जी अच्छा और जो मैडम है वो सिखाती है ठीक समझ में आता है हाँ कुछ डाउट रहते हैं ना जी कोई डाउट नहीं रहते ना जी अच्छा तो देख लाग तो रही है सारी पटापट करना है बाकी मेरा नहीं है मतलब क्या तक रहा ज़्यादातर छोरा ना है अगली घर तक टाइम पास करने के मारे आ जाए हैं पर देखो पढ़ रहे हैं सारे लाग रहे हैं सही और कुछ पढ़ाएंगे तो कुछ कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे बाकी मैडम पर पूछेंगे मैडम कितनी फीस ले हैं बड़का पे जी कितनी तो फीस रहा है बता दो 500 रुपये पर मंथ है 500 रुपये हाँ जो SC BC कैंडिडेट है जिसके घर की हालत ज़्यादा खराब है नहीं फीस देते तो उनको हम फ्री में सिखाते हैं फ्री में सिखाते मतलब कतई भी फीस नहीं लेते हाँ जी कतई भी नहीं लेते अच्छा मैडम जी कई आपने देखा होगा कई भाई हो जाए तो कई लड़कियाँ हो जाए हैं या कई लड़कियाँ के माँ बाप एक्सपायर हो हाँ जी हाँ जी तो उनसे फीस नहीं लेते फीस नहीं लेते उनसे मतलब कई बार नाम जैसे किसी के पापा एक्सपायर हो रहे हैं तो उनसे फीस नहीं लेते या किसी की घर की हालत इतनी नहीं है कि भाई वो सीखना तो चाहे लड़की या लड़का तो उनको फीस नहीं दे सकते तो हम उनको फ्री में सिखाते हैं और कितने गांव के बच्चे यहाँ पे सीखने के आते हैं मतलब आसपास के जितने भी गाँव हैं मैम जैसे करसिंधु खेड़ा लिपरा जैसे बड़ौदा खटकड़ ये है काकड़ूद हो गया मखंड हो गई नचार खेड़ा हो गया इस साइड के सारे बच्चे आते हैं देखो सब तो बढ़िया बात हमने मैडम किया लगी है मतलब जिस जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है घर में या तो मतलब कई बार बाप गुजर जाए है या फिर जो SC BC में भी से माहौल हो जाए अभी फीस देने के लायक नहीं होती लेकिन बालक पढ़ना चाहे हैं तो उन बालक पर फीस नहीं ली जाती ना मात्र भी मतलब बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा है सब तो बढ़िया बात इस कंप्यूटर सेंटर की या लगी मैंने अक भी क्योंकि कई बैके हुआ है अक मतलब फीस जरूरी हो जाए है चाहे उन दौरा हो या ना हो देने लेकिन यहाँ पे फीस नहीं ली जाती उन बच्चे की जो गरीब हैं या फिर जिनके माँ बाप नहीं है जिसका बाप नहीं है मतलब कुछ एक हो या अगर सही जिसके फौजी बाप हो या अगर सही हो जाए तो उनते भी कुछ छूट दो हो हाँ जी उनके भी फ्री मैम हाँ जी जैसे जी मैम किसी के अंदर मतलब काबिलियत है बच्चे के अंदर तो मतलब एग्जाम करवाते हैं हर मंथ एक ठीक है तो ये इस टाइप के फॉर्म अप्लाई करने होते हैं उनको हाँ जी तो उनकी फीस जितने भी नंबर आते हैं मैम उनके हिसाब से किसी की 100 रुपये लगती है किसी की 200 रुपये पर मंथ इस टाइप के होते हैं मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट हर महीने होता है हाँ जी एडमिशन लेने से पहले से भी बच्चों को इस टाइप का फॉर्म अप्लाई करवाते हैं अच्छा हाँ जी और इस टाइप से उनकी मंथली फीस हो जाती है मैम कम हो जाती है स्कॉलरशिप के हिसाब से जितने भी मतलब नंबर आते हैं उसके हिसाब से हाँ जी देखो अच्छी बात है ये कि मतलब बच्चा अपनी काबिलियत के हिसाब से भी यहाँ पे मतलब जो फीस है वो कम हो जाती है बच्चा कि जैसा उसमें काबिलियत है या फिर जो बच्चा गरीब है पढ़ना चाहता है तो वहाँ पे उसकी फ़ीस बिल्कुल ही नहीं लगती तो ये था बालाजी कंप्यूटर सेंटर है
तो इस पे मतलब बच्चों से भी बात की है, मैडम से भी बात की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। और जो बच्चे यहाँ से पहले भी कंप्यूटर सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, कैसा समझ में आ रहा है, कैसा यहाँ पर पढ़ाते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं लेकिन गरीब हैं तो यहाँ आके सीख सकते हैं बिना फीस में। और जो बच्चे मतलब वैसे वो उनकी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है तो स्कॉलरशिप टेस्ट के ज़रिए उनको छूट मिलती है, तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।